हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने नाश्ता बना लिया है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि नाश्ते में मैंने क्या बनाया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा नाश्ता है तैयार। तो ये कॉफ़ी तेजस ने बनाई है और आज मैंने बनाई है नमकीन दलिया, वो भी चीज़ के साथ। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया। तेजस का कहना था कि मम्मा चीज़ और दलिया साथ में खाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने कहा चलो आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चीज़ वैसे भी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है क्योंकि दलिया थी हमारी गर्मा गर्म थी। तो देखिए, तो चलिए खाते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा। चीज़ में जो दलिया में आप चीज़ डाल के देखिए, बहुत ही यमी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है और यमी लग रही है। एक बार जो है ना ट्राई करके जरूर देखिएगा, कुछ नया फ्लेवर लगता है। चीजी दलिया मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तेजस ने इसका नाम रख दिया चीजी दलिया। बहुत टेस्टी लगती है, यमी लगती है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। तेजस कैसी लगी? पसंद आई? तो तेजस को भी पसंद आई है, तो उनका रिएक्शन दिखाते हैं। कैसी लगी? पसंद आई? बहुत टेस्टी। हाँ, चीज़ पड़ गई होगी तो वैसे ही टेस्टी लग रही होगी, है ना? शायद बड़ी अच्छी बनाई है। तुम्हें मम्मा चीज आ रही है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। घट्टा लोग करता नहीं करवा। तो चीज़ जब आती है ना मुंह में तो अच्छा लगता है। वाकई में बहुत टेस्टी स्वाद लग रहा है इसका। आप सबके लिए एक सरप्राइज है। जिनका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ड्राई हो रहे हैं, रफनेस हो रही है, उनके लिए मेरे पास एक रेसिपी है। तो बस मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपको उस रेसिपी को दिखाती हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ। चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं जा रही हूँ अपने हेयर में हीना करने, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे हेयर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। और मैं आपको फुल रेसिपी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं हीना करती हूँ, और जो मैं हीना करती हूँ उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, हेयर लॉन्ग एंड स्ट्रांग होंगे और आपके हेयर जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और साथ में आपका हेयर का कलर भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करती हूँ मैं हीना। आ गई हूँ किचन में। तो मैंने एक बाउल में पानी लिया है, आप देख सकते हो ये लगभग 1.5 गिलास पानी है, और उसमें मैंने चाय पत्ती डाली है 2 चम्मच। और उसके बाद हमें लेना है आंवला, जो ड्राई आंवला होता है, ये आपको इजी मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो आप पाउडर भी ले सकते हो, मगर ये लीजिए ड्राई आंवला, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। आंवला मैंने 1.5 से 2 चम्मच लिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें जो है इसे अच्छी तरह से पकने देना है। जब 1.5 गिलास पानी हमारा 1 गिलास पानी रह जाए तब हमें इसे बंद कर देना है, और इसे ठंडा होने पे हमें छान लेना है। ये हो गया ठंडा और अब हम इसे छान लेते हैं। तो देखिए मेरा 1 गिलास पानी निकला है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप हीना या मेहंदी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, नेचुरली ऐसे ही अपने हेयर को कलर करना चाहते हो, कंडीशनर करना चाहते हो, उसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। तो यहाँ पर मैंने हीना लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी हीना मेहंदी कोई भी ले सकते हो। तो मैंने नूपुर मेहंदी ली है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें कॉफ़ी डालनी है, कम से कम नहीं तो 3 से 4 चम्मच हमें कॉफ़ी डालनी है। और आप अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से जो है कॉफ़ी और हीना ले सकते हो। जगह अगर आपकी हेयर की लेंथ मेरी जैसी है तो मैंने इसमें कम से कम नहीं तो 4 चम्मच कॉफ़ी डाली है, और 4 से 5 पाउच मैंने हीना के लिए हैं, मेहंदी के लिए हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो उससे ज़्यादा है तो और उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम वही वाटर लेते हैं जो पानी था, तो अब हम इसे धीरे धीरे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और धीरे धीरे करके डालिएगा, एक साथ डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा और मेहंदी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। तो जो हमारा आंवला है वो हमारा कंडीशनर का काम करता है, प्लस हमारे हेयर को एक शाइन देता है,
और आप सभी जानते हो कि पुराने ज़माने में आंवला बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता था हेयर के लिए। कॉफ़ी पड़ी है वो आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगी, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगी। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और प्लस चाय और कॉफ़ी जो है कंडीशनर का भी काम करता है और आपके हेयर को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसको हमें 2 से 3 घंटे तक यूं ही रख देना है, उसके बाद हमें यूज़ करना है। अप्लाई कर ली है बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा से मेसी हो चुका है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कवर करना है, या तो आप कोई भी पुराने कपड़े ही पहन के ही मेहंदी लगाइए तभी आपका सही रहेगा, नहीं तो पूरा मेसी हो जाएगा। ऐसे खाली पानी से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको जो है ऑयल लगाना है। वो ऑयल क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, चिंता मत कीजिए, मैं लगाऊँगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो मैं जा रही हूँ घर का काम करने, आज के ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।